तो तू एक घंटा के नाम मिल गई, रोटी बनाते हुए इसको 2 घंटे हो गए। अरे सब्जी बनी ये भी लग गई रोटियां गए। अभी हम लोग हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति के अंदर, पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं और आज हम लोग यहाँ से निकल करके बाहर जा रहे हैं और तिरुपति दर्शन करने वाले हैं। हम लोग जहाँ रुके हुए हैं ये रेलवे स्टेशन का एरिया है और मेरे पीछे की साइड में है विष्णु निवासम, यहीं पास में इस एक होटल के ऊपर हम लोग जो रुके थे। और अभी हम लोग जो तिरुमाला की पहाड़ियों में जा रहे हैं, जिस साइड में तिरुपति बालाजी मंदिर है ना उसी साइड में जा रहे हैं। रुक, अरे यार तो गजर है, मैंने बोलिया आगे देव ने 50 रुपये मावो। तो यार आंखें दुखा गई। मेरे पीछे की साइड में मंदिर है कपिला तीर्थ स्नान, यहाँ पर तिरुपति के अंदर यहाँ पर तो दर्शन करने आए हैं, लेकिन ऊपर की साइड में जो आपको पहाड़ियाँ नजर आ रही है ना, यहाँ पर 15 किलोमीटर आगे की साइड में तिरुपति बालाजी मंदिर है। यार जबरदस्त है यार, जबरदस्त लोकेशन है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको जहाँ से पानी आ रहा है उसके ऊपर की साइड में वहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी, वो यहाँ से उस साइड में रोड बाई रोड 15 किलोमीटर का रास्ता है लगभग। और ये वाटरफॉल जो है ना, ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है। अभी पानी कम तो क्योंकि बारिश बहुत दिन हो गए हुए बारिश में, स्नान करके जाते हैं, तीर्थ स्नान है ये। अपने जयपुर के अंदर है ना वो क्या नाम है, गलता जी लगभग जिससे सही है, पहाड़ों के अंदर ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है इस तरह से दोनों साइड से। अभी मंदिर के अंदर जाएंगे ये दर्शन करेंगे, ये उस साइड में कपिलेश्वर स्वामी मंदिर, तीर्थ स्थान देख लिया, मंदिर के अंदर भी हम लोग दर्शन करके आ गए और एक फोटो भी लेके आ गए। अब हम लोग जो करीब 15 किलोमीटर बाहर की साइड में आ गए हैं, इसके मतलब एक यहाँ पर किला है चंद्रागिरी नाम से, तिरुपति से 15-20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो पहाड़ बहुत सुंदर है यार, जबरदस्त सुंदर, यहाँ पूरा तेलुगु ही तेलुगु है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लैंग्वेज भी। हम लोग जो चंद्रगिरी गांव के अंदर आ गए और ये चंद्रगिरी गांव से आगे जा रहे हैं और चंद्रगिरी गांव से आगे यहाँ पर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ये शुरू हो गया, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चंद्रगिरी किला है। और वर्तमान के अंदर ये जो चंद्रगिरी महल है मेरे पीछे की साइड में, यहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है, तो वो म्यूजियम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ सारे गार्डन है और इस साइड में यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा तालाब जिसके अंदर कमल के फूल नहीं है लेकिन कमल के यहाँ पर वो लगे हुए पत्ते दिख रहे हैं बहुत सारे। पहले जो चंद्रगिरी नाम से पूरा राज्य था और उसके अंदर 4 बड़े नगर थे, उनमें से ये एक बड़ा नगर था यहाँ। और यहाँ पर आसपास खूब सारे मंदिर भी है, मंदिरों का समूह भी है जो खूब सारे अभी क्षतिग्रस्त है। एक्चुअली यहाँ पर जो मेरे पीछे की साइड में जो आप देख रहे हैं ये तो 500-600 साल पहले बनवाया था श्री कृष्ण देव राय ने, जो राजा थे, और उससे पहले का जो यहाँ पर 11वीं शताब्दी में बना हुआ है वहाँ जा नहीं सकते, इस पहाड़ी के ऊपर किला है, वहाँ का रास्ता अभी एकदम सीधी पहाड़ी होने की वजह से खतरनाक है। कृष्ण देव राय उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और उसके बाद में ये अलग अलग शासकों के अधीन आया, मतलब विजयनगर के राजाओं के अधीन आ गया, उसके बाद में गोलकुंडा के अधीन में आ गया, अलग अलग शासकों ने राज किया और लास्ट में किसी ने भी इतनी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। अभी जो इसके अंदर गवर्नमेंट म्यूजियम बना हुआ है तो इस म्यूजियम के अंदर खूब सारी यहाँ पर निकली मंदिरों की मूर्तियाँ, आसपास कई सारे मंदिर थे, मंदिरों का समय भी था, तो कृष्ण देव राय जो थे उनके टाइम के भी उनकी भी मूर्तियाँ उनकी पत्नियों के साथ में भी है, खूब सारी है। इसके दांत आने लगे, ऊपर वाला दिखने में लग गया, अब थोड़ा थोड़ा एक दांत, दोनों दांतों से ऐसे कुतर के चीजें डाल देती है, फेंक देती है वापस। यहाँ पर ठंड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन धूप जो निकलती है वो एकदम तिड़की, अपने जैसे ठंडे दिनों में अभी निकल रही होगी आपके दोपहर में, जब भी धूप निकलती है स्वेटर वगैरह फेंकने का मन करता है ना, जबरदस्त वैसी निकलती है। हाँ होता है, बहुत ज्यादा चुभती हुई धूप लगती है ना, बस धूप वैसी है। जो लोग ठंडी जगह से आ रहे हैं वो तो स्वेटर पहन के आ रहे हैं। अब ये मार्केट है यहाँ पर नजदीक में, एकदम फुल मार्केट तिरुपति का, वहाँ जा रहे हैं कुछ सामान भी लेना है। हेलो, ये गोविंद राजा वारी टेम्पल, ये यहीं पर है रेलवे स्टेशन के पास में, तो इसके आसपास ही मार्केट है, यहाँ पर हम लोग आए कुछ सामान लेने के लिए। नहीं।
मंदिर में हाथी आ रहे हैं। पहले वाला जो इंडक्शन था उससे बहुत परेशान हो गए, इसलिए अब दूसरा ले रहे हैं ना। वो रोटी बना पाता है अब, इसलिए रोटी साथ में बना के लेके आया ताकि टेस्ट कर सके। आपको 5 मिनट तक ये रखना पड़ेगा, हवा हीट होने का, उसके बाद डालना पड़ेगा। हाँ, जल गई, मतलब रेडी है, ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा ये। नॉर्मली हमारी अभी तक प्रॉब्लम ये थी, ऑटोमेटिक बंद हो रहा था। और सब छोड़ देर काम आ रहे हो कुछ नहीं साहब, एकदम अच्छे तरीके को काम आ रहे हो, एकदम अच्छे तरीके को आ रहे हो। तो आधे रोटी फुला के बनाई है वो, तो यहां चिपा चिपा के रोटी बनाती हूं मैं, धक्का काम की करके है वो, इतनी फटाफट सेक रही है वो। रोटी सेकने में बहुत ही टाइम लगा हमको, तो तू 1 घंटा के नाम मिल गई रोटी बनाते हुए, इसको 2 घंटे हो गए। अरे सब्जी बनी अभी लगी हो रोटियां के, मतलब चूल्हो एकदम अच्छा हो चाहिए, फुला फुला बने यार, वाह वाह। बहुत दिनों से इस चीज के लिए परेशान हो रहे थे, बहुत दिनों से कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। कॉम्प्रोमाइज किया, हम तो लेके आ गए वहाँ, जैसा मिला वहाँ लेके आ गए थे वहाँ से, फिर वो फिर काम नहीं चला उससे, तो दूसरा अच्छे सबसे अच्छा बेस्ट से बेस्ट लेके आए, इससे अच्छा दूसरा कोई मुझे नहीं पता कोई होगा, बेस्ट से बेस्ट। ऊपर से पूरी प्लेट एकदम मतलब एडजस्ट। और आप सबको जो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 22 लाख सदस्य हो गए सुब जर्नी यूट्यूब चैनल के। तो इसी खुशी के अंदर आज हम लोग ये चूल्हा लेके आए हैं और अभी चूरमा बनाएंगे। चूरमा बना के नहीं, और सुबह फिर जल्दी उठना है, बहुत ज़्यादा जल्दी उठ करके जाना है हमें, क्योंकि हम लोग अगले वीडियो के अंदर हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी पहाड़ों के अंदर, उस जगह पर दर्शन करने के लिए जिसके लिए हम इतने दिनों से अभी आंध्र प्रदेश के अंदर बैठे हैं, कि आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। चलिए ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर आप नए हैं तो सुब जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें, थैंक यू। और अभी हम लोग हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, बाय।